वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान से हार के बाद पाकिस्तानी टीम की खूब आलोचना हो रही है, खासकर टीम के कप्तान बाबर आजम फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स के निशाने पर हैं। लोग बाबर की बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद बाबर आजम का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद फैंस उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम का अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो गुरबाज को अपना बैट गिफ्ट कर रहे हैं, साथ ही वो गुरबाज के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, पाकिस्तानी फैंस ने बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैंस ने इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तरह तरह के रिएक्शंस दिए। क्या है वो रिएक्शन, सब आपको बता देते हैं। एक यूज़र ने लिखा, बाबर आजम को गुरबाज का बैट लेना चाहिए था और सीखना चाहिए कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ कैसे खेला जाता है। एक और यूज़र ने लिखा, इस बैट का तो वैसे भी बाबर के पास कुछ काम नहीं है, कम से कम गुरबाज रन तो बनाएंगे। एक और यूज़र लिखते हैं, बाबर को गुरबाज से बैट लेना चाहिए था और गुरबाज को बोलना चाहिए था कि ऐसे खेला जाता है वर्ल्ड कप। एक अन्य यूज़र ने लिखा, गुरबाज का डाउनफॉल यहाँ से शुरू हो गया। एक और यूज़र ने लिखा, भाई गुरबाज मत लो ये बैट, वरना फिर आप भी 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेलने लग जाओगे। बात मैच की करें तो पाकिस्तान से मिले 282 रनों के लक्ष्य को अफगानिस्तान ने महज 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम की ओर से गुरबाज ने 65 और इब्राहिम जादरान ने 87 रनों की दमदार पारी खेली, वहीं रहमत शाह ने 77 और कप्तान शाहिदी 48 रन बनाकर नाबाद लौटे। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 282 रन बनाए। टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 74 रनों की दमदार पारी खेली, वहीं अब्दुल्ला शफीक ने 58 रनों का योगदान दिया। अफगानिस्तान 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान इतने ही अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। आपको ये भी बता दें कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जो जीत मिली है, ये विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान की दूसरी जीत है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी रविराज, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है, लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से? और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।